अस्त्रा टेम्पलेट को अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में कैसे इंपोर्ट करें, आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है सोम विश्वकर्मा और आप देख रहे हो सुभाष एडिटर की एक और नई वीडियो। तो यहाँ पर हमने अपनी थीम भी इंस्टॉल कर ली है इस तरह। अब हम लोग चलेंगे इसका स्टार्टर टेम्पलेट जो प्लगइन है उसको यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो पहले हम चाहे यहाँ से इस प्लगइन को डाल लें या फिर हम यहाँ पर जाएंगे अपीयरेंस में, यहाँ पर आपको इस तरह ऑप्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पर चले जाओ। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद अगर आपके पास प्रीमियम इस तरह है, ठीक है, तो आप उसको भी लगा सकते हो यहाँ पर, लाइसेंस की लगा दो, अदरवाइज आप इसका फ्री वर्जन भी यूज कर सकते हो। हमारे पास दोनों हैं बट हम यहाँ पर फ्री वाला लगाने वाले हैं, तो हम यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट्स का जो प्लगइन है इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रीमियम चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल है, आप हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो हमने जैसे इंस्टॉल पर क्लिक करा, हमारी जो थीम है यहाँ पर इंस्टॉल होने लगी है, फिर उसके बाद हम इसको एक्टिवेट कर देंगे तो हम इसके जितने भी फीचर्स हैं सारे सारे यहाँ पर यूज कर पाएंगे। सो ये हमने यहाँ पर पूरा अपना प्लगइन भी यहाँ पर डाल दिया है। अब हमारी जो वेबसाइट है हम उसको बिल्ड कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे बिल्ड योर वेबसाइट नाउ पर। हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब हमसे ये पूछेगा कि आप ब्लॉग एडिटर पर काम करना चाहते हो या फिर एलिमेंट या फिर बीवर बिल्डर पर। तो हम लोग यहाँ पर एलिमेंटर पर करेंगे क्योंकि सबसे अच्छा बेस्ट हमको यही लगता है और हमारे लिए भी ओके भी है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका यूज करने वाले हैं। अब हमारे पास आप देख सकते हो कितनी सारी टेम्पलेट यहाँ पर आ चुकी हैं। अब आपको इसमें से जिसकी भी नीड हो आप उसको यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर सर्च कर लो, तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, हमको चाहिए सर्विसेज के लिए अपनी। अब आप देख सकते हो मैंने सर्विसेज सर्च किया है तो यहाँ पर मल्टीपल अपने के लिए देखने के लिए आ चुके हैं। अब इनमें ज़्यादातर फ्री हैं और कुछ प्रीमियम भी हैं। अगर मैं यहाँ पर लाइसेंस की डाल देता तो जो प्रीमियम वाली हैं ये अपने को बिल्कुल फ्री में मिल जाती हैं, बट अभी हम लोग यहाँ पर इनको यूज नहीं करेंगे, हम लोग फ्री वाली देखने वाले हैं। तो मैं जल्दी से एक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इंपोर्ट करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर ये सर्विस के लिए चाहिए, तो भाई यहाँ पर रूफिंग सर्विस ये मुझे सही लग रही है तो मैं इसको ले लेता हूँ और इसका प्रीव्यू जल्दी से देख लेते हैं। उस पर अगर सब कुछ सही लगा तो हम इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। सो मैं इसको यहाँ से इसको हटा देता हूँ चीज़ों को, और आप देख सकते हो अपनी जो ये साइट है, जो थीम है, कुछ ऐसी दिख रही है। तो भाई ऊपर का तो बहुत बढ़िया क्लीन है, एकदम सही है। नीचे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अपना हेडिंग वगैरह भी है, बटन वगैरह भी लगी हुई है, कॉन्टैक्ट के लिए भी है, फॉर्म भी लगा हुआ है अपना, ओके है, सही है, और भी अपना कंटेंट पड़ा हुआ है, ये भी ओके है अपने लिए। इसको हम एडिट कर भी कर लेंगे पूरा, वाई चूजे से ओके, ठीक है, ये भी ठीक है। सो मैं यहाँ पर गई एक कंपनी के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसी पे हमको ये नीड बड़ी है। तो अब इसकी हम टेम्पलेट यहाँ पर देख लेते हैं, हमको कुछ चीज़ें इसमें अच्छी लगेंगी तो हम लोग वो यूज करने वाले हैं, अदरवाइज हम लोग बाकी चीज़ें अपनी कस्टम खुद की यूज करने वाले हैं। तो ये अबाउट भी काफ़ी सही लग रहा है, मैं अपना देख लेता हूँ, ओके। इसका फोटर भी बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। हम लोग सर्विसेज देखेंगे तो सर्विसेज भी आप देख सकते हो, और ये सारे इमेजेस आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। हमने इस पर ऊपर वीडियो भी बना रखी डिटेल में, हाउ टू मेक ई कॉमर्स वेबसाइट और होस्टिंग वेबसाइट कैसे बनाए, तो उस पर हमने इसका पूरा यूज बताया हुआ है, तो आप जाकर के उसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप देख लो, ये सर्विसेज पे है अपना, और भी अपने सब कुछ मिल जाते हैं। भाई मुझे बहुत सही लगी, मैं इसको अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चलेंगे, अब हमसे यहाँ पर पहले ही पूछ रहा कि आप यहाँ पर लोगो लगाना चाहोगे क्या, लोगों की विड्थ वगैरह बढ़ाना चाहोगे क्या, तो हम अभी नहीं करेंगे, हम सब लोग बाद में करेंगे। तो हम लोग इसकी पैन कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर कलर चेंजेस कराना चाहता है, पूछ रहा है फॉन्ट वगैरह चेंज करोगे क्या, तो हम वो भी नहीं करेंगे, हम सीधे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से आप एक सर्वे कराएगा आपसे, आप करना चाहो तो कर दो, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एडवांस ऑप्शन देख सकते हो, इंपोर्ट कस्टमाइजर सेटिंग्स, इंपोर्ट विजिट्स, अगर आप इसमें ऑल पे रखोगे ना तो भाई इसका जो कंटेंट है, विजिट्स है, जितना भी सेटिंग वगैरह सब कुछ बाय डिफॉल्ट वैसा के वैसा एकदम इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आप इनको अनटिक कर देते हो तो जो चीज़ टिक रहेगी वही चीज़ यहाँ पर इंपोर्ट होने वाली है। तो सब में टिक रहने देना, दिन यहाँ पर सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो अपनी जो वेबसाइट है वो रेडी होने लगेगी। यहाँ पर टेम्पलेट अपनी 7% इंपोर्ट हो चुकी है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा 1-2 मिनट का, उस बाद पूरी यहाँ पर कंप्लीट इंपोर्ट अपनी टेम्पलेट हो जाने वाली है। सो यहाँ पर आज हमारा जो होस्टिंग सर्वर है काफ़ी फास्ट है, इसलिए देख सकते हो बहुत तेज़ हो रहा है, अदरवाइज कभी कभी 1 मिनट भी ले लेता है। तो टेंशन वाली बात नहीं, अगर आप उसमें टाइम लग रहा है तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और उसको कर लीजिएगा, हो सकता है आपकी जो होस्टिंग है उसका सर्वर थोड़ा सा स्लो हो उस टाइम पर। तो यहाँ पर हमारा तो भाई बहुत कम समय के अंदर ही हो गया है और हमारी वेबसाइट भी यहाँ पर पूरी ये रेडी हो चुकी है। अब हम अपनी वेबसाइट को यहाँ पर व्यू कर सकते हैं, हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसके व्यू वाले सेशन में हम लोग पहुँच जाने वाले हैं, ठीक है। सो ये हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, देख सकते हो एज इट इज हमारे डोमेन पे ये चीज़ पूरी यहाँ पर आ चुकी है। अब हम इसमें से जो भी चाहें आराम से डिजाइन कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, इसीलिए हमने एलिमेंटर भी चूज करा था क्योंकि यार हमको इसमें बहुत कुछ चेंज करना है, थोड़ा बड़ा हम इसका यूज करने वाले हैं, बाकी हम लोग हटा देंगे।
इसीलिए हमने एलिमेंटर किया है। और बाकी ईटर और व्यूअर बिल्डर वगैरह भी आप कर सकते हो, बट उसमें से थोड़ा सा हमको कम पसंद आता है, एलिमेंटर ज़्यादा सही लगता है। तो आप ऐसे आप यहाँ पर अपने अस्तरा थीम से बढ़िया टेम्पलेट वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, पूरा पूरा कंटेंट के साथ आप यहाँ पर मिल जाएंगी, तो काफ़ी सही है। आप इसको देख सकते हो अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, और इसके साथ ही भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी यहाँ पर ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे ऐसी किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ रहिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।